आपने एक चीज हमेशा बोली है कि आप सत्ता जेल से चलाएंगे, डेमोक्रेसी जेल से रन करेंगे, पर ये बीजेपी भी कह रही है और सोचने में भी है, जैसे मनीष सिसोदिया जेल गए, डेप्यूटी सीएम थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने छोड़ दिया पद, बाकी लीडर्स ने भी ऐसा किया, ऐसा क्यों है कि अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे, बाकियों को करवा कर? यही तो वो चाहते हैं, यही तो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी जानते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को मैं नहीं हरा सकता चुनाव में, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिर जाएगी, हम चुनाव कराएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो अगला टारगेट ममता जी होंगे, ममता जी को भी गिरफ्तार कर लेंगे, उनकी सरकार गिरा देंगे, विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे केरला में, उनकी सरकार गिरा देंगे, स्टालिन साहब को गिरफ्तार। अगर मैंने आज इस्तीफा दे दिया, देश के जनतंत्र को खतरा होगा। मैं पद का लालची नहीं हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं झुग्गियों में जाके काम किया था, 49 दिन के अंदर खुद ब खुद सीएम की पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन आज मैं, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है जो मैं सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहा, तो इसीलिए मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और इन्होंने पीआईएल भी कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको नहीं हटा सकते, अगर वो सीएम रहना चाहे जेल में रह सकते हैं, तो अगर मैं सीएम हूँ तो कोर्ट को मेरे को बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी कोर्ट अंदर, ताकि मैं सीएम की फाइलें साइन कर सकूं और बेसिक जिम्मेदारी, जब तक बेल नहीं मिलती तब तक मैं अपनी जिम्मेदारी जेल से चला सकूं। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूं, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा, ताकि अगली बार मोदी जी जहां जहां चुनाव हारेंगे वहां वहां ऑपोजिशन के लीडर को या सीएम को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर मैंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चला ली, फिर मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी किसी दूसरे सीएम को हाथ लगाने की। तो फिर मनीष सिसोदिया का क्यों इस्तीफा करवा दिया? मनीष सिसोदिया जी खुद कह के गए थे, उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही जाऊंगा मेरा, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। लेकिन मनीष, इसको समझने की, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे से सरकार नहीं गिरती, सीएम के इस्तीफे से सरकार गिर जाती है। वो मेरा, बीजेपी मेरा इस्तीफा चाहती है,